आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया वर्सेज इंग्लैंड खेला जाना है, जिसके लिए इंडियन टीम एडिलेड पहुंच चुकी है। दोनों टीम की निगाहें इस मैच को जीतकर सीधे फाइनल में अपने दावेदारी पेश करने की होगी। ऋषभ या कार्तिक, सेमीफाइनल की क्या है रणनीति? धोनी के संन्यास लेने के बाद कोई खिलाड़ी अब तक वो खाली जगह नहीं भर पाया है। इस टी20 विश्व कप में लगातार फ्लॉप हो रहे कार्तिक की जगह पिछले मैच में ऋषभ पंत को मौका दिया गया, लेकिन वह इस मौके का कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। दरअसल बात विकेट कीपर की नहीं है, बात है विकेट कीपिंग के साथ साथ एक इन फॉर्म बैटर की, जिसकी कमी दोनों में से कोई बल्लेबाज पूरा करता नहीं दिख रहा है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जब कुछ दिन आउट ऑफ फॉर्म रहे तो आलोचकों को यह कहते जरा भी देर न लगी कि धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। उनकी वजह से बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा है। द्रविड़ ने कहा प्लेइंग 11 में हो सकते हैं चहल। जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए मैच के बाद भारत अब सेमीफाइनल खेलेगी। ये भिड़ंत फिनाले के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला टक्कर का रहेगा। ऐसे में भारतीय टीम कोई गलती नहीं करना चाहेगी। ऐसे मौके पे उन्हें एक मजबूत टीम की ज़रूरत है जो उन अपने पुरानी खामियों को दूर कर बड़े मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करे। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने पिछले मैच के बाद कहा कि हम अपने 15 खिलाड़ियों को एक सा मानते हैं। मेरा मानना है कि इस दौरे पर आए 15 खिलाड़ी में से कोई कमज़ोर नहीं है, सब में गजब की क्षमता है। एडिलेड का ग्राउंड थोड़ा स्लो था, किसी एक मैच से खिलाड़ी की क्षमता को ना आके इन्होंने इशारे इशारे में यूजी चहल को अगले मौके पर खिलाने की बात कह डाली। ओपनिंग बल्लेबाजी है चिंता का सबब। खबरों की माने तो रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए, लेकिन बावजूद इसके कि वो नेट पर बल्लेबाजी करते नजर आए। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन खबर सच है तो रोहित शर्मा की जगह कौन खिलाड़ी खेलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। केएल राहुल का फॉर्म में वापस आना भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या राहुल अपने इस फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे। अनुमान टीम की सूची कुछ इस प्रकार है, बल्लेबाज रोहित, राहुल, कोहली और सूर्य कुमार। विकेटकीपर होंगे दिनेश कार्तिक, ऑलराउंडर के तौर पर होंगे हार्दिक, अक्षर और अश्विन, और बॉलर के तौर पर हमें दिखेंगे भुवी, शमी और अर्शदीप।